हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन टूर का वीडियो। आप लोगों ने तो देख ही लिया था, तो उसके नीचे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आए थे कि किचन की कॉस्ट कितनी है, किचन की साइज़ कितनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जो बिल्डर ने हमें किचन प्रोवाइड किया था, तो हमने वो पूरा अच्छे से तोड़ दिया था। सिविल वर्क का जो काम होता है तो वो फर्स्ट हमने किया, तो सिविल वर्क का काम अच्छे से होने के बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है फर्नीचर और ट्रॉलीज का। तो पहले तो हमने सिविल वर्क का काम अच्छे से तोड़ कर दिया, तो सिविल वर्क हमें जो टाइल्स बिल्डर ने प्रोवाइड की थी तो वो चेंज करवानी थी। तो जो टाइल्स थी तो हमें उसका कलर भी पसंद नहीं था, और हमें जो थीम थी, थीम हमने पूरा वाइट रखी थी, उसके हिसाब से हमने टाइल्स हमें बिठानी थी। तो हमने मार्केट में खुद जाके, शॉप में खुद जाके अच्छे से देख के आए थे, और हमने हिसाब से हमने टाइल्स परचेस किया। तो वाइट कलर में बहुत सारे कलर शेड्स आते हैं, तो ये कलर मुझे पसंद आया था। तो ये मैं टाइल्स की कॉस्ट मुझे पड़ी थी अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज़ में, तो हमारे बजट के हिसाब से हमने लिया था। तो इसके महंगे भी बहुत सारे आते हैं और इसके नीचे भी बहुत सारे आते हैं, तो आपके बजट के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से हमने परचेस किया था। आई थी जो यूटिलिटी एरिया है उधर, ये टाइल्स देखो इसका कलर ऐसा था, तो ये चेंज करके हमने वाइट टाइल्स किचन में अच्छे से लगवा दिया है। सिविल वर्क का फर्स्ट काम तो हमारा हो चुका था। नेक्स्ट हमारा काम था जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का, हम काम करते हैं उसके ऊपर, वो चेंज करवाना था हमें। तो जो सिविल वर्क का आदमी आता है वो हमारे साथ आता है, जो शॉप में जाके हमें बताता है कि कौन से ग्रेनाइट होते हैं अच्छे 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 मार्केट में बहुत सारे ग्रेनाइट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ग्रीन कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, वाइट कलर का होता है, उसके हिसाब से हम उसके साथ ही जाना चाहिए, तो उसको नॉलेज भी अच्छी रहती है, वो थोड़ा सा हमें गाइड भी करता है, उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए। हमने ये आर्टिफिशियल ग्रेनाइट परचेस किया, और बाजू में यूटिलिटी एरिया में भी हमें कड़प्पा बिठाना था और स्टोर रूम में भी कड़प्पा बिठाना था, वो सब अराउंड परचेस किया हमने 20,000 रुपीज़ में। बिल्डर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया था ब्लैक कलर का, वो निकाल के हमने बाजू में यूटिलिटी एरिया में अच्छे से बिठा दिया था, तो उसका थोड़ा सा हमें कॉस्ट भी कम हो चुका था हमारा। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट होता है किचन के लिए बनवाया जाता है, तो इसके हिसाब से वो बनाते हैं, तो ये काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। 6 मंथ हो चुके हैं मुझे काम करके, अच्छे से कुछ हल्दी वल्दी का दाग भी गिर जाए तो अच्छे से थोड़ा सा पोंछ लो तो निकल जाता है, ज़्यादा हमें कुछ ऐसे ताकत लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ में हमें यूटिलिटी एरिया में ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म बिठा दिया था जो बिल्डर ने हमें प्रोवाइड किया था, वो निकाल के इधर अच्छे से बैठ गया था वो। तो ये हमारा जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट और जो कड़प्पा होते हैं यूटिलिटी एरिया में हमने बिठाया था, उसका टोटल कॉस्ट हमें परचेस किया था हमने 20,000 रुपीज़ में। और सिविल वर्क और पूरा लेबर चार्जेस हो उसका कॉस्ट मैं अभी बताती हूँ। उसके उसमें हमने ये आर्टिफिशियल ग्रेनाइट चेंज करवाया, टाइल्स बिठाई, बाजू में यूटिलिटी एरिया में कड़प्पा बिठाया, और मेरा जो स्टोर रूम है उधर उसके अंदर भी हमें कबर्ड बनाना था, तो उसके अंदर भी हमें कड़प्पे बिठाए थे, तो उसका पूरा लेबर चार्जेस का कॉस्ट हमें 38,000 रुपीज़ आया था पूरा बिठा के अच्छे से। और हमारा ये सिविल वर्क पूरा हो चुका था। सिविल वर्क होने के बाद हमें दूसरा था कि ट्रॉलीज बनवानी थी, ट्रॉलीज और फर्नीचर बनवाने थे, उसके लिए हमने दूसरी टीम रखी थी, तो वो दूसरा फर्नीचर वाला और ट्रॉलीज वाला अलग था, तो ये काम हमारा डन हो चुका था। ऊपर वाले जो कैबिनेट आपको दिख रहे हैं ग्लास वाले कैबिनेट, दिखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं, और सामान दिखते ही समझ में आ जाता है कि अंदर कौन सा अच्छे से सामान रखा है। तो जो उसको कहते हैं कि प्रोफाइल डोर कहते हैं, तो उसका जो फिनिशिंग आपको दिख रहा है तो वो रोज गोल्ड फिनिशिंग हमने लिया था, तो वाइट कलर में बहुत सुंदर सा लुक बन के आता है, तो इसके लिए रोज गोल्ड हमने फिनिशिंग उसका लिया था। तो और स्टोरेज का भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हमारे किचन में, बहुत अच्छे से स्टोरेज दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारा सामान भी आ जाता है, डाइनिंग टेबल सेट्स आ जाता है, मग्स होते, कप्स होते बहुत सारे, तो ऊपर रखते हैं तो दिखने में भी बहुत सुंदर से आ जाता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। उसके ऊपर भी उन्होंने हमें किचन में तो बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान होता है, तो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए जो कैबिनेट होते हैं ग्लास वाले कैबिनेट के ऊपर उन्होंने हाइड्रोलिक स्टोरेज करके दिया हुआ है, तो मतलब खोलने में और बंद करने में भी आसानी हो जाती है। देखो ये ऊपर दिया हुआ स्टोरेज, तो स्टोरेज का पूरा यूटिलाइज किया हुआ है, तो बहुत सारा सामान होता है घर में कि हम यूज़ नहीं करते, कभी कभी यूज़ करते, वो सामान रखने के लिए ऊपर ऐसे स्टोरेज बनाया हुआ है, तो यूज़ करने में भी आसानी हो जाती है, ज़्यादा हमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके हिसाब से वो बनवाया गया है।
ये वाली जो ट्रॉलीज होती है वो हमने एक्रेलिक फिनिशिंग में बनवाई है। तो एक्रेलिक फिनिशिंग ऐसे आता है कि 2 mm कांच आता है, तो वो दिखने में भी बहुत सुंदर आता है, उसके ऊपर कांच लगा के आता है। तो हमने जो ट्रॉलीज बिठवाई है तो एक्रेलिक फिनिशिंग में बिठवाई है, और ऊपर आपने जो स्टोरेज देखा था उसका स्टोरेज हमने ग्लॉसी फिनिशिंग प्लाई में बिठवाया है। तो इसमें इसमें हमारा बहुत सारा कॉस्ट भी बच गया। ये पेंट्री भी हमने ग्लॉसी फिनिशिंग प्लाई में बनवाया है, तो इसका भी ग्लॉसी फिनिशिंग प्लाई में अच्छा लुक आ जाता है। हमारे किचन में हमने हिंडवेयर की चिमनी बिठवाई है, तो हिंडवेयर की चिमनी हमें अराउंड 25,000 रुपीज़ में पड़ी है। तो उसमें 3 बर्नर या 4 बर्नर के लिए सफिशियंट है, तो उसको अच्छे से इंस्टॉलमेंट करके पूरा इंस्टॉलमेंट अच्छे से लगा के 25,000 रुपीज़ में हमारी ये चिमनी पड़ी है हमें। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो किचन का टूर मैंने दिया था उसमें, कि आपका किचन का साइज़ क्या है। तो मेरा जो किचन का पूरा साइज़ आता है 9 फीट बाय 13 फीट पूरा किचन का साइज़, और जो प्लेटफॉर्म का साइज़ आता है वो 9 फीट बाय 11 फीट करके आता है। और मिक्सी के लिए भी अच्छे से एक ट्रॉली वाला छोटा सा कैबिनेट बना के लिया है, तो हमें काउंटर टॉप के ऊपर रखने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो काउंटर टॉप भी थोड़ा सा हौच पौच नहीं रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। तो उधर ही कुछ हमें ग्राइंड करना हो तो उधर ही ग्राइंड करो, उधर ही अंदर ऐसे लगा दो तो अच्छे से भी लगता है और दिखने में भी बहुत सुंदर सा लगता है। तो किचन किचन टूर का मैंने जो वीडियो बनाया था उसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आपके किचन की कॉस्ट कितनी है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो इसका पूरा कॉस्ट अराउंड मुझे 4 लाख में पड़ा था, तो 4 लाख में ये पूरा किचन हमारा बन के तैयार हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।